So that is the whatever I talked about. So when somebody told you, just like I was talking about अंजलि सोई है, इसकी मम्मी ने आवाज दिया, ब्रेन कैसे काम करता है? ठीक है, ब्रेन तो कह रहा है कि तू उठ, आवाज आई, पर अब ब्रेन को हम ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं उठना चाहते, अभी ठंड बहुत है, अभी क्या करना है, स्कूल की छुट्टी है, अभी जबरदस्त उठेंगे, मम्मी कहे कि झाड़ू लगा, पोछे लगा, ठीक है, अब मालूम तरीका क्या है, ब्रेन क्या करता है, देखो दिमाग कैसे चलता है, अब बोले कैसे बचना, मम्मी फिर अंजलि उठ, कोरोना के समय में देखो सर्दी खांसी हो गई, कफ एंड कोल्ड हो रहा, वाह सोई रहे, हो गया काम मस्त, 10 बजे तक की छुट्टी, डैन डैन, ये ब्रेन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस तरीके से। बट जहां पर सडन होता है, जैसे आप की आंखों में जैसे ही कोई भी चीज जो है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं है ना, हार्ट में से आप निकल जाओ, तो मिर्ची का बहुत जो चिली पाउडर होता है ना, उसका एक बहुत छोटा सा पार्टिकल आएगा अंदर आंखों में, ठीक है, उसके बाद आपका काम खत्म, गाड़ी चला रहे हो या तो गाड़ी खड़ी कर दो या फिर किसी के अंदर भरा जाओ, ठीक है ना मिर्ची। और देखो एक और बात बताता हूँ, जैसे ही आपको अभी ये जो सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, सैनिटाइजर यूज करते हो और आप बस सैनिटाइजर यूज, तो नाक में से मेरे को तो पानी टपक जाता है, आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाने के जो ये जो है ना आपकी स्किन वगैरह जो है रुखी होना शुरू हो जाती है, ये सारे जो हैं ये रिस्पॉन्स है। जब भी हम सेंसेस की बात करेंगे तो ये वो सेंसर्स हैं, दिस आर द एक्वायर्ड मैसेजेस फ्रॉम द आउट एनवायरमेंट, ये वो सेंसर्स हैं जो आउट एनवायरमेंट में से मैसेज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इस ये ना नाउज है पूरी बॉडी में, ये जाल फैला हुआ है न्यूरॉन्स के रूप में, है ना सर, जो बहुत स्मॉल सेल से मसल्स और सब में, इवन ब्लड, ब्लड में भी है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, सब में ये जो है ये जाते हैं, है ना, नहीं अदरवाइज आप यहां शरीर के इस हिस्से में, वहां नीचे वहां पर जैसे आपको नेल्स वगैरह पे पता नहीं है क्योंकि डेड सेल है नेल्स, और ये क्या है, ये जो बाल है ना हेयर आपके, ये डेड सेल है, ऊपर वाले बालों में क्या रहा, लाइफ नहीं है, पर हाँ जरा मैं खींचूंगा तो फिर पता लगेगा जहां वो जुड़े हुए हैं, आपका बाल जरा सा, लड़कियों के बाल खींचा जाते हैं ना जरा सा भी, तो ऐसा गुस्सा आता है कि पास में जो हो ना खींचा किसने पड़े दूसरे को चटाक हो जाए, क्यों है ना, बाल खींचाते तो बहुत गुस्सा आता है ना, लड़के एकदम चिल्लाती। सो दैट इज द, ये जो है ये सेंसर से यहां से मैसेज, सीधी सी बात है, ये पूरा सिस्टम है हमारा एंड्रॉइड जियो का नेटवर्क है ये, ठीक है, ये जियो का नेटवर्क है, बढ़िया। अब सीधे अब इसमें आप ये मत पूछना सर रेंज मिलता कि नहीं मिलता है ना, अब रेंज मिलना नहीं मिलना उसमें डिपेंड करता है कि एक तो ये कि आप रेंज मिलाना चाहते हो कि नहीं मिलाना चाहते हो, है ना, दूसरा ये कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो दैट इज ईयर जो सुनेगा, ईयर का मैंने बता दिया, आंखों का बता दिया, टंग जो है, टंग बहुत जबरदस्त है ना, बच्चा तो कुछ नहीं जानता ना, बच्चे को आप कोई भी इन्फेंट हो, 1.5-2 साल का, 2-2.5 साल का जो बच्चा रहता है ना, जो आपके पास आता है टी कुछ भी खाने की चीज होती है ना, वो दौड़ दौड़ के आ जाता है, अल्लाह तो है ना, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मतलब उसको या तो मिर्ची रख दूंगा मुंह के अंदर, सीधे चिली रखी है, नोनी के मुंह पे रख देती मैंने चिली भर दी थी, ठीक है, उसके बाद उसने ये समझो कि 12 साल तक मिर्ची नहीं खाई, बिगर मिर्ची की सब्जियां खाता था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था कि एक बार बच्चे को, फिर दूसरा क्या है कि हलवा, अभी हलवे का सीजन है, हो तो कोई भी बच्चा जैसे हाँ जाए, गरम गरम चम्मच उठा कर तो उसके रख दो मुंह पे, फिर देखो क्या आनंद आता है, फिर वो कभी भी आपके पास नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। डॉक्टर पटेल थे, देखना हो सर आप देखना मत हो, डॉक्टर पटेल कठीवाड़ा में थे, उनका बालक था नितिन, और शैतान अति शेता, इतनी मस्ती करता था, हमारे प्रिंसिपल मैडम ने और सर ने हमको वो जो शुक्रवार का व्रत उद्यापन होता है ना उसके लिए बुलाया था,
कितना 16 लड़के 8 लड़के ऐसा कुछ सिस्टम रहता ना उसका, वो भी आमंत्रित था। वो मेरे ख्याल से 4 or 5 ईयर्स ओल्ड होगा। वो एक तो इतना शैतान था कि पहले जो मिड डे मील मिलता है ना बच्चों को, वो पहले दलिया मिलता था गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ मैं, बड़े तपेले 2 एल्युमिनियम के, एक भाई जमुना भाई याद था, नाम याद है मेरे को जमुना भाई, ठीक है, वो बनाती थी। वो पटेल डाक साहब का लड़का, अब जो गांव रहता है वहाँ पे अफसरों के जैसे मैं हूँ, जैन साहब का लड़का, वीडियो साहब का लड़का, अरे अलग ही झाकिया डाक साहब का लड़का, ये चीज़ें थी। अब वो क्या है कि वो बालक को पता था कि यहाँ पे दलिया बनता है ना, हमको दलिया नहीं देते थे, वो नहीं देते थे, हम जाके भले खड़े भी हो जाए ना तो नहीं देते थे, क्योंकि घर से मदर फादर डांटे, बोले तुमने इनको दलिया खिला दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लड़का गया और वो भाई ने उसको देखा, ढक्कन हटा के वो देख रही थी कि पका कि नहीं पका, और उस डॉक्टर पटेल के लड़के ने, 4-5 साल के लड़के ने पूरा हाथ उस दलिए के अंदर यहां तक डाल दिया, चिल्लाए। मैं टॉयलेट करने गया था तो मेरे को भाई ने बुलाया कि मैं ही संभाल सकता उसको, हाथ बाप रे ऐसे उसमें उकलते, मतलब वो तो बन ही गया था भाप में, बाप रे वो तो ऐसी हो गई भाई, तो बिल्कुल रोए हो रहा पूरा स्कूल वाले का हालत खराब, हेडमास्टर को समझ नहीं पड़ी। मैंने बट से उसका पानी से हाथ वाथ धुलवाया, कि डॉक्टर तो बहुत समझदार थे ना, वो स्कूल आए ना भाई को डांटा कुछ भी नहीं किया, पर उसका हाथ 3 महीने में बिल्कुल सही हुआ, उस पर दाग रह गए। फिर भी वो शैतान बच्चा इतना शैतान, वो उस दिन भी आया क्या, मैं खाना खाने तो इतनी धुमाल करे कि परेशान हो गए, ठीक है, किसी को भी तू 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 तो आया कुछ भी बोलते रहता था। तो मैंने उससे कहा कि जा अंदर से 2 माचिस लेके, माचिस एक माचिस, ठीक है। वो लाया, ठीक है, मैंने माचिस निकाली, 2 काड़ियाँ निकाली, झट से जलाई, और जैसे ही जलती वैसी बुझी, वो बूझ के उसके सिद्ध दिमाग पे यहाँ पे 2 लगा दी, निशान बन गए वो काड़ियों के यहाँ पे 2। उसके बाद से उसने मस्ती करना छोड़ दिया, बिल्कुल ही नहीं किया उस दिन मैंने, पर उसके जो निशान बन गए ना, मैंने कहा पटेल आंटी ये जाके बोल देगा, बिल्कुल बोलेगा कि सुशील भैया ने मेरे को ये चिपकाया, ठीक है। मैंने कहा मेरी तो परेड होगी, ठीक है। कोई 10-15 दिन बाद पटेल आंटी घर पे आए, ठीक है, तो वो बालक भी आया, तो उसके निशान वो जो जलने के बाद फिर रोज कुचल जाता, वो सफेद सफेद 2 निशान थे, वो देखे उन्होंने बोला, मुझे कुछ भी नहीं बोला है ना। फिर वो क्या, वो मदर का ध्यान गया मेरी मदर का यहाँ पे 2, ठीक है। मेरी मदर ने उनसे पूछा कि नितिन को क्या हो गया, तो नितिन इतनी देर करे क्या, ये भैया ने मैं तो यहाँ पे माचिस टिपका दी थी। उनकी मम्मी बोला, तो मेरी मम्मी की भी मेरे को बोला क्यों किया ऐसा, बोल गया दुबाल ऐसा करता, तो उनकी मम्मी क्या बोले, बाकी उसके बाद है ना ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया, मैंने इसका इलाज कर दिया। So that is, मानो ये एक तरीके का सेंसेशन था। उसके बाद वो जब जला ना, उसके बाद किसी भी गर्म चीज के पास वो 15 फीट दूर नहीं होना, वो चिपके ना, उसके बाद माचिस देख के वो भागता था, किसी के हाथ में माचिस होना नहीं होना। बच्चा भी जब एक बार किसी चीज से जल जाता है, आप उसको कहे ना, वो जैसे उसके पास गर्म चीज ले जाओगे ना, ताता ऐसे बोलता है, वो नहीं करता है वो। सो दैट इज द, ये हमारा एक्सपीरियंसेस है, यही तो है जो सेंस ऑर्गन्स हमको सिखाती है। मैंने टंग का बता दिया, स्किन का बता दिया, नोज का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। रात आप सोए हो, दिन में सोए हो, एक धागा पतला सा करो नाक में, ठीक है, नाक में जैसे ही करोगे तो या तो अंग करके करेगा या फिर उसको छींके शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो है ये रिस्पॉन्स है, मतलब ब्रेन ही कहता उस तरीके से कंट्रोल होता है। तो ये तो बात हो गई बाहर की, अब अंदर जब हम 8 बजे खाना खा के सो गए, फिर से आ जाता है 8 बजे वाले पे, खाना खा के सो गए है ना, तो फिर सब बंद हो जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी क्लोज है ना, सब बंद, रेस्पिरेटरी क्लोज है ना। सवेरे तो घर वाले व्यवस्था कर ले कि चलो है ना, यही होगा ना, रेस्पिरेटरी क्लोज कितना है, जितनी सांसें हैं
और गिनती की है। जिस दिन वो गिनती खत्म, भगवान भूल गया कि भैया धीरज की गिनती खत्म, हाँ उतना ही है ना, सीधी सी बात है, जितनी सांसें ले रहे हैं हम। तो हमको किसको साधना है? सांसों को। जो रेस्पिरेटरी की प्रैक्टिस करेगा वो उतना जिंदा रहेगा, जो जितना ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा वो उतना जिंदा रहेगा। कोरोना, ऑक्सीजन लेवल कम होता है मतलब कोरोना आपके ऊपर चढ़ बैठा है, डिक 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 डिक, ऐसे ही है ना सिस्टम। सो दैट इज द, ये पूरे बॉडी का सिस्टम है और ये नर्व सिस्टम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते हो आजकल हमारे उम्र के और आपकी मम्मी के उम्र के लोग बोले मैं नीचे तो बैठ ही नहीं सकती, अब तो कुर्सी पे बैठना मेरे को, होता ना ऐसा, बोले नीचे बैठती, ऐसे हो गए बहुत सारे लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, है ना, जिनके यहाँ पे दर्द होता है, गर्दन में दर्द, पट्टे डल जाते हैं, है ना। मैंने गूगल को नहीं डाल रखा पर लोग अपने गले में डाल लेते ना, ऐसा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, झिंझनी आती है, सेंस खत्म हो जाता है। अभी सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोरोना हो गया है। सबसे पहले टेस्ट जाता है, नमक मतलब साल्ट लो आप, चिली लो आप, शुगर लो, टेस्ट नहीं आता है। मतलब आप कचरा डाले जा रहे हो अंदर, नहीं आता टेस्ट। और जिनको हो गया है ना, होके ठीक होके आ गए ना, उनको धीरे धीरे आ रहा है, पहले जलेबी का आया, फिर कचौरी का आया, ऐसे। सो ये सेंसेस है, मतलब टंग में हमारे क्या है, सारा जो सिस्टम है वो पूरा इसका है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे है, सीधा सा है, मैसेज को एक्वायर करो, उस मैसेज को थ्रू न्यूरॉन्स और थ्रू नर्व सिस्टम आप ब्रेन को पहुंचाओ, ब्रेन वहां से ऑर्डर देगा, आया समझ में, ब्रेन ऑर्डर देगा और ऑर्डर देने के बाद वो ब्रेन फंक्शन जो जैसे जिससे रिलेटेड काम है, जैसे कहा कि नाक में किसी ने कुछ किया है तो बोले स्नीज, सीधा सा गणित है, ये उठा के, आया समझ में। और इंटरनल में क्या हो गया, पानी पता से सूता है आप अभी, है ना, एक नहीं दो नहीं फ्री के मिल रहे थे, 50 करा, अब 50 करा है तो अंदर फिर क्या होता है, गड़गड़ और जो मशीन चालू होती है तो फिर डॉक्टर ही बंद करता है उसको टेबलेट देके, है ना, फराटे लग जाते हैं, क्यों, ये अंदर का सिस्टम, फॉरेन बॉडी, सीधा सा गणित है। आपकी बॉडी में नाक स्नीजिंग क्या है, कोई भी चीज जाती है ये रिस्पॉन्स है। आपको आंसू आए मतलब नाक आना जरूरी है, मतलब नाक में से पानी निकलेगा, नाक आया बहुत ज्यादा सर्दी हो गई तो आंसू आना है ना। और ENT मतलब है ना, ईयर नोज टंग थ्रॉट, ये पूरे कनेक्टेड है एक दूसरे से, सीधा सा। ये अगर अभी आपकी ये जो पीछे के जो वो है ना ग्राइंडर टीथ, मोलर और प्री मोलर टीथ जिसको दाढ़ बोलते हैं, उस दाढ़ को आप खिंचवा लो अभी, आंखें बाहर आ जाएगी, हाँ सीधा। सो दैट इज द वे, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, है ना। और नर्व सिस्टम में इसके जितने भी टेक्निकल टर्म्स है वो सब आपको लर्न करना है, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन, जब भी हम बात करें मैं रिफ्लेक्स एक्शन पे आ जाता हूं, इसमें वॉलेंटरी मसल आएगी, रिफ्लेक्स एक्शन, बाइक वॉट एवर, वाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड द टर्म ऑफ द स्किल। कोई भी व्यक्ति स्किल जब करता है, चाहे वो कील ठोकने वाली हो, गाड़ी चलाने वाली हो, किसी मशीन को ऑपरेट करना हो, ड्राइव करना हो, राइड करना हो बाइसिकल, सॉरी बाइक राइड करना हो, बाइसिकल राइड करना हो, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी मसल्स, इनका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, देन यू विल बी द गुड राइडर, यू विल बी द गुड ड्राइवर, यू विल बी द गुड ऑपरेटर, तभी होगा ऐसा। सीधा सा गणित है, आपने देखा होगा कि लोग बाग जब राइड करते हैं तो आगे जाके फिर वो स्टंट पे बहुत सारे ऐसे ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, मालूम क्यों, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऐसा बन चुका है ना, कि वो बहुत आसानी से उसको कर जाते हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं कि जब मैं कार ड्राइव करता हूं या बाइक ड्राइव करता हूं तो इतना समय रहता है कि सामने एक बच्ची आ गई और आप तब सोचोगे नहीं पहले मैं ब्रेक लगूंगा कि ये करूंगा कि नहीं, ऑटोमेटिक आपके हाथ मतलब ये हाथ, ये क्लच, ये ब्रेक, नीचे के पूरा बॉडी पार्ट आप ऐसे झुक के आगे आओगे, ये सब कौन करता है, ये हम करते हैं क्या, इतना टाइम है,
इतने टाइम में तो पत्रम पुष्पम समर्पया में भीड़ इकट्ठी होकर पंचायती देना शुरू कर देगी, ऐसा ही होगा ना है? जब सामने से कार जब चलाते हैं ना तो कार में पूरी चीजें चलती, स्टीयरिंग ब्रेन ये आपके सामने, आपको नजर आ रहा है कि यमराज सामने, हम आपसे बचते कैसे हो, कुछ नहीं करना पड़ता, फटाफट हाथ पैर ये वो सट सट, बस यहां गड़बड़ी हो जाती है कि आपका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। अगर आप घबरा गए, आया समझ में, आप घबरा गए तो आपका जो जो मसल्स है वॉलंटरी मसल्स है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, जैसे आपने देखा कि आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्पीड में जा रहे हो, पता लगा ये 40 की स्पीड में है, सोनगढ़ की गलियों में घूम रहा है, ठीक है, और एक बच्चा फट से कूदा, अब कूदा तो ये जैसे इसके सामने ही कूद गया तो अभी घबरा गया, इसने दी एक्सेलेरेटर मिला के तो बच्चा तो निकल गया, भर दी सामने पीली पगड़ी वाले बादशाह में अरे बोले तू सड़क से जातो जातो तुम मारे क्यों, रोटला पे मार दी तने, ऐसा होता ना आदमी मर जाता ये जो है। तो आप जब भी करो तो इसको, अब जब भी कोई चीज सीखो चलने चलाने वाली तो रिफ्लेक्स एक्शन पे आओ, रिफ्लेक्स एक्शन ही होती है जो बचा के ले जाती है आपको, आपको कुछ भी करना पड़ता, आदमी इतना थोड़ी सोचता है, तू पराले है।